फ्रेंड्स फाइनली हम निकल रहे हैं अलीबाग की तरफ। अभी बजे है 11:15 सुबह की, तो अराउंड 12.5 घंटे की जर्नी है। तो वी आर लिविंग नाउ एंड देखते हैं ये कैसे जाता है ये सफ़र, और बीच बीच में आपसे कनेक्ट होते ही रहूँगा। सो सी यू सून। बने रहिए। तो चल पड़ी है ये सवारी अलीबाग की तरफ, 12 घंटे 45 मिनट्स की ड्राइव, और मज़ा आएगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम शेगांव से अलीबाग जा रहा हूँ। नॉर्मली शेगांव से मुंबई जाता हूँ, तो वो रोड फैमिलियर हूँ मैं उस रूट से, लेकिन ये रूट थोड़ा अलग रहेगा। तो देखते हैं कैसे जाते हैं ये 12.5 घंटे। नजर साथ चलने से यू ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। मंजिल तो अलीबाग है कि हिम, और ऐसे ही हंसते हंसते कट जाएगा सफर। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यू ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अब हमारे अगले हॉल्ट पे। हॉल्ट तो काफी रहेंगे क्योंकि काफी बड़ी जर्नी है। डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया है। वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई दिया, तो सोचा गाड़ी साइड में रोक ली। आप देख सकते हो कैसे ये लोग फार्म को वाटरिंग करते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप तो मेरा औरंगाबाद में रहेगा। अभी यहाँ से फिर भी 150 किलोमीटर्स है, तो वहीं पे कहीं ट्राई करेंगे कोई अच्छा रेस्टोरेंट अगर मिले तो लंच करने का। तो मिलते हैं आपको औरंगाबाद में। कीप वॉचिंग। हम पहुंच गए हैं औरंगाबाद। अभी बजे हैं 3:10 दोपहर के, और अभी यही है कि यहाँ पे अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले तो वहाँ पे कुछ लंच कर लेंगे। अगर मिलता है कुछ अच्छा तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा वहीं पे होगा। तो अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा था। कभी धूप कभी छाव, कभी आप देख सकते हो काफ़ी धूप निकली हुई है। अभी कुछ 10 मिनट पहले ही इतनी धूप निकली थी, तो काफ़ी छाव
उठाव था पूरी सफर। रास्ते भी काफी अच्छे थे, ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा खराब था, लेकिन वो भी एट अ स्ट्रेच नहीं था, पैचेस में था, लेकिन काफी अच्छा था। अब तक का सफर काफी स्मूथ रहा है। फ्रेंड्स, हमने औरंगाबाद सिटी क्रॉस कर दी है और कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स दिखे थे, पर वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था तो मैं गाड़ी नहीं रोक पाया। और इस और फिर अभी हम आगे आ चुके हैं औरंगाबाद सिटी के। अभी 350 किलोमीटर और हमें कवर करने हैं अलीबाग की यूनिटी थी, तो होपफुली आगे अगर कुछ रेस्टोरेंट दिखता है तो हम वहाँ पर हॉल्ट लेंगे। और भूख तो काफ़ी लगी है, सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद अभी बजे हैं 4:45, तो कुछ खाया तो नहीं है, तो लगी है, देखते हैं होपफुली अगर कुछ मिलता है तो वहाँ पर कुछ स्नैक्स या कुछ खा लेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट हॉल तक। हेलो फ्रेंड्स, सो हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है जिसका नाम भुंडवे पैलेस है, जो औरंगाबाद सिटी एग्जिट करने पर 5-8 किलोमीटर्स पर है। तो एम्बियंस काफ़ी डिसेंट है, अच्छा लगा तो सोचा यहीं पे लंच कर ले। लंच के लिए हमने महाराष्ट्रन क्यूजिन ऑर्डर किया है, शेवग्याची करी, वांग्याचा भरीत, भाकरी और चपाती, तो उसी का वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आने के बाद मैं फूड का भी रिव्यू दूंगा आपको कि कैसा है करके। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा लंच खत्म कर दिया है, अभी बजे है 4:30 और अच्छा था लंच, काफ़ी टेस्टी था, होटल भी काफ़ी डिसेंट है। तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप कभी इस रूट पर आते हो तो अगर लंच टाइम हो या कुछ भी हो डिनर टाइम, तो यहाँ पर ज़रूर आकर आप खाना खा सकते हो, अच्छा डिसेंट खाना है, टेस्टी है और होटल काफ़ी क्लीन है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्पॉट कहाँ पे होता है चाय के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए। तो आप बने रहिए, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हम रांझण गांव पहुँच गए हैं। रांझणगांव आपको पता होगा कि अष्टविनायक के जो 8 मंदिर है उसमें से एक मंदिर ये रांझणगांव में है। तो अभी हम रांझणगांव को पास कर रहे हैं, इससे पहले हम अहमदनगर सिटी से गुजरे और अभी रांझणगांव पहुँचे हैं। अभी 8 बजे है और नाइट ड्राइविंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। और आप ये देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि महागणपति प्लान बना दिया है कि बंदवे ही है तो इस महागणपति के दर्शन किए जाए। गाइस, अब हम दर्शन करके निकल गए हैं अलीबाग की तरफ। वहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाया, सॉरी फॉर दैट। पर काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए, आज ट्यूसडे होकर भी सरप्राइजिंगली भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और ये दर्शन बिल्कुल प्लान नहीं था। हम ऐसे ही जा रहे थे तो हमें रास्ते में ये मंदिर हाईवे पे दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है ये, तो क्यों ना दर्शन किए जाए। यहाँ पर वापस आना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो ऑन द वे था तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए।
और अभी 4.5 घंटा और बाकी है अलीबाग टीम के लिए, 177 किलोमीटर्स। तो और ये देखिए रात का नज़ारा, नाइट ड्राइविंग, एक्साइटिंग रहता है ये नाइट ड्राइविंग। मुझे, मैं नॉर्मली प्रिफर करता हूँ अगर आप अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हो तो मज़ा आता है नाइट ड्राइव करने में। दोस्तों जब हम रांझणगांव महागणपति से निकले तो एक राइड था जो कि काफ़ी इंटीरियर रोड था, तो वो आरंडी होके उसने पुणे सिटी को बायपास करते हुए अभी हम निकलेंगे रावेत से बाहर और फिर सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टच करेंगे। तो ये वही रास्ता है जो हमें रावेत से बाहर होते हुए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को टच करवाएगा। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल हम लोग पुणे के इंटीरियर्स में हैं, सिटी को बाईपास कर दिया है ये रूट ने, लेकिन रूट अच्छा था, रास्ते अच्छे थे, भले इंटीरियर था लेकिन रास्ते अच्छे थे, तो कोई इशू नहीं हुआ। थोड़ा नैरो रोड था लेकिन अच्छा रोड था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टच कर चुके हैं और यहाँ से ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर है अलीबाग, तो खालापुर तक तो हम इसी हाईवे को पकड़े रहेंगे और फिर खालापुर से हम अलीबाग के लिए अलग रूट चूज करेंगे। तो आप देख सकते हो ये साथ। बस अभी कुछ ही पलों की देर और हम पहुंच जाएंगे अलीबाग के हिम में। See you soon. फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जैसे हमने
खालापुर से लेफ्ट टर्न लिया टुवर्ड स्पेन, तो रोड काफ़ी ख़राब है, बम्पी है। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस, ये 60 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। पैचेस में है लेकिन है ख़राब ज़रूर, और आपको काफ़ी स्लो चलाना पड़ रहा है उस वजह से। और ये मैंने इतने सारे रोड ट्रिप्स किए हैं अभी तक, और ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है कि महाराष्ट्र में भी कोकण रीजन के जो रोड्स हैं मोस्टली खराब और बम्पी रहते हैं। तो मैं मतलब नागपुर साइड तो अभी जाकर आया, वहाँ के भी रोड्स अच्छे थे। कर्नाटक गया, गोवा गया, फिर सोलापुर, टूवर्ड सोलापुर भी गया। लेकिन ये कुछ जैसे ही मैं कोंकण रीजन में जाता हूँ तो वहाँ पर ये एक्सपीरियंस मुझे जनरल नहीं मिलता है। ये रोड्स खराब मोस्टली रहते हैं और उसकी वजह से स्पीड भी काफ़ी कम हो जाता है। एनीवेज ये अभी धीरे धीरे ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स का कवर करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा लगेगा ये रोड्स खराब होने की वजह से। अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, वही है कि आगे जाके फिर खराब हो जाता है। तो पैचेस में अच्छा है और ख़राब है। तो अब मिलते हैं सीधा यहीं अलीबाग पहुँचने के बाद, जहाँ पर मैं आपको फाइनल रिव्यू दूंगा मेरे ट्रिप का। फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे वीकेंड होम की अलीबाग में। तो काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 आवर्स का ड्राइव था जब हम निकले थे 11:15 सुबह शेगांव से, और अभी बजे हैं 12:45 AM। तो काफ़ी हॉल्ट्स भी लिए, और हॉल्ट्स लेते लेते काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस था ये रोड ट्रिप का। तो अगर रोड्स की बात करूँ तो मैं आउट ऑफ 5-4 दूंगा, क्योंकि औरंगाबाद से अहमदनगर के बीच थोड़ा रोड बम्पी था, और इवन यहाँ पर जैसे मैंने कहा लेफ्ट मारने के बाद खालापुर से तिलपेन रोड काफ़ी ख़राब था। तो इसके वजह से मैं एक पॉइंट कट कर रहा हूँ रोड कंडीशंस को लेकर। फूड मॉल्स की बात करें तो काफ़ी है फूड मॉल्स अवेलेबल, और जहाँ हम रुके थे लंच के लिए वो तो हमें काफ़ी अच्छा लगा था। आप ज़रूर उस होटल में ट्राई करना जब भी आप जाते हो इस रूट से। तो मैं फूड मॉल की बात करूँगा तो मैं 5 में से 3 दूँगा ऑन दिस रूट, और काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। और आई होप अगर आपको ये रोड ट्रिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो टू माई चैनल। एंड अभी तो बहुत टायर्ड हूँ, तो कुछ फ्रेश होके बस सो जाऊँगा। बट थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग, बी सेफ, फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।